शरबत अटल क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिन्ना की तरफ। इसके बाद जो स्टाफ आएगा उसको बिलाल मस्जिद कहा जाता है। नमाज के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये जैसे कि गाड़ी आई है, मेरे उस गाड़ी को रास्ता करा, थोड़ा सा स्पीड अप करके वालेकुम साहब, यहाँ से हम निकले। ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर पार्किंग, ये जगह जगह पर ये छोटी छोटी पार्किंग लगाई जाती हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। ये इसी वजह से कहता कि दूसरी गाड़ी, चूँकि यहाँ पर फिसल बहुत ज़्यादा होता है, उस पर स्किट ना करें। तो मरी एक बहुत खूबसूरत प्लेस है, बड़ी तारीखी जगह है, खूबसूरत जगह है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मरी ने, मरी से ज़्यादा यहाँ पे पीस, एक फैमिली आ गई थी, हमने इसको कैप्चर नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को वो किया, इग्नोर किया जाता है। तो ये पीसफुल जगह है, यहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं, आप मेहमानों की इज्जत करेंगे, कानून से कोई चीज़ भी बालातर नहीं है। हम यहाँ पर जो भी है लेकिन कानून से बालातर नहीं है, कानून फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। पहले हम कानून को देखेंगे, उसके बाद और जो भी मामलात होंगे देखेंगे। ये मेरे हमें अभी अभी ये रोड खुलती जा रही है और हम साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, गजगन्ना की तरफ। तो खुशहाल बात ये है कि हम इजीली ड्राइव कर रहे हैं, अभी तक कोई इस तरह का मामला पेश नहीं आया, और इंशाल्लाह तो है कि आगे भी इस तरह का कोई मामला पेश नहीं आएगा और हम इजी लफगन्ना, बिलाल मस्जिद या नियर जगह जो भी होगी इंशाल्लाह वहाँ तक अप्रोच करेंगे। तो बड़ा शुक्र गुजार हूँ मैं। वो गिर है ये जो रोड पे, ये लोग बर्फ नहीं फेंक रहे, बल्कि ये जो ऊपर बर्फों के दरख्तों के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई है ना, वो नीचे की तरफ जैसे ये है, ये जगह बहुत बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह आ रही है, बहुत ही खूबसूरत मोड़ है ये। और ये आप दरख्त देखें, दरख्तों के ऊपर कितनी बर्फ है, दो से ढाई तीन फुट बर्फ पड़ी हुई है। भाई ये इंसान पूछते असलामुअलैकुम भाई, क्या ठीक है, खैरियत से? अच्छा ये पता है कि कहाँ तक रास्ता खुला? कैसा सफ़र रहा आपका? ज़बरदस्त रहा, ठीक है, एंजॉय करें भाई। बड़ी मुश्किल से उठा यहाँ पे, स्किप कर गया था, कह रहे हैं जी आगे 5 मिनट तक जो है ना लाइक है ऊपर, आप देखेंगे कितनी बर्फ पड़ी है। तो थोड़ा हिलना जुलना मना है हमारे पहले साथ में, मना किया भाई क्योंकि हमारे 5-6 बाइकर्स आए हुए यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े फासले से चल रहे हैं, चूँकि एक बाइक अगर स्किट कर गया वो जल्दी जल्दी रुकेगा नहीं, उसे स्किट ही करना होता है, तो वो उसको हम मद्देनजर रख के चल रहे हैं। ये देखें दरख्तों से ऊपर से बर्फ़ गिर रही है, वो बड़ा ठंडा पानी था यार। तो यहाँ पे अभी भी गर्जा रात माइनस में, -9-10 के नज़दीक होगा। यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप जब भी इस तरफ आएँ तो गर्म चीज़ें खाएं, ठंडी चीज़ कोई भी नहीं खानी है आपने इस तरह के। आगे से बाइक आ रहा है मेरे, इसको रास्ता दे रहे हैं। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी भी ये रोड्स खुली है, देख सकते हैं आप, ये इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये बर्फ़ गिर रही है, ये बर्फ़ गिर रही है, पिघल रही है, पिघल रही है ना, तो ऊपर गिर गई तो जहर सी बात है आप एकदम घबराहट का शिकार हो जाएंगे। और बाइक को ये जिस तरह के अभी ये मामला हुआ है, मैं घबरा गया थोड़ा सा। तो ये 8-10 फुट बर्फ है, बर्फ है, इतनी मौजूद है। ये गिफ्ट है, ये भी अल्लाह का एक गिफ्ट है इन इलाकों में, कम से कम एक एक टहनी पे 2-2 फुट बर्फ पड़ी हुई है। बड़ा मुहतात होकर यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, लो गेयर्स में चलना है भाई। मैं फिर एक मतलब आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने फास्ट गियर नहीं लगाने, लो गेयर्स में चलें इजी। ये देखिए ये बाइक्स आए यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ऊपर ये नहीं जा सके स्लिप की वजह से, यहाँ पे फिसलन थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से ये लोग यहीं पर रुक गए। तो ये यहाँ के लोकल बाग कम्यूनिटी के लोग हैं, दुल्ली, नार शेर अली खान, रेड़ा, छतर, उस तरफ के इलाके के ये लोग आए हैं। कोशिश करें रोड पे ये चीज़ें ना फेंकें, कोई बाइक गिर जाएगा यहाँ, एक दूसरे को बेशक मारे रोड पे ना फेंकें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये एक जन्नत नज़ीर का एक अक्स है, जन्नत तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, हाँ कहने वाले वो कहते हैं एक शेर है, याराने जहाँ कह गए कश्मीर है जन्नत, जन्नत ना किसी काफर को मिली है ना मिलेगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्किटिंग सा माहौल है, बाइक स्किट हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं
जहाँ तक जा सके इंशाल्लाह जाएंगे। जी अब देखें आगे गवर्नमेंट जो है ना अपनी फैसिलिटीज के मुताबिक काम कर रही है। बर्फ को साफ किया जा रहा है, रोड ठीक ठाक बर्फ पड़ी भी है, तकरीबन 8 से 10 फुट के करीब बर्फ है। हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं कौन सा इसके साथ हमारी बात हो सकती है, नुमाइंदा कौन सा मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम पहुंचे हैं जी जिस जगह पे ये मशीन लगी हुई है, अच्छा किस जगह पे पहुंचे हैं। बड़ी अच्छी है, जो अपनी रास्ता जो है मशीन लगी हुई है पूरी हुई, यहाँ पे 8 फुट बर्फ है तकरीबन। आज तो बहुत मुश्किल है, क्लियर हो कल कहीं क्लियर होगी, अभी हम कोशिश करेंगे मुमकिन नहीं है वाले हैं इससे किसी से बात हो जाए कि इतना टाइम लगेगा इस सड़क ऊपर होती है और ये एकदम से दूर नीचे से देखिए सेफ्टी के लिहाज से थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिटी जो यहाँ पे आई है वो बाइकर्स ज़्यादा आते हैं।
तो हम भी एक बाइकर क्लब से तलक करते हैं इसकी सेफ्टी के हवाले से। और सेफ्टी के हवाले से उनके पास ना हेलमेट है ना कोई और जो फैसिलिटी होती है सेफ्टी के हवाले से, और हमारा ये प्रोग्राम है कि जो बंदा लस्तना और बाग की तरफ बाग से लस्तना की तरफ आए बाइक तो वो पूरा सेफ्टी के साथ हेलमेट के साथ जो रिक्वायरमेंट बाइक की होती है वो पूरी यहाँ पर पूरी करके तो फिर इस साइड पर दूसरा ये कि इंतजामिया जो है वो पूरा पूरा कर रही है, और मैं भी इस शीशे के साथ से जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं जी देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि इंतजामिया के साथ तावन करें और किसी इस तरह से सफ़र ना करें कि जो आगे आपको मुश्किल आए।